खान एंड वेलकम टू आवर कैगो इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ द दा के। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो आज हमें देखने वाले हैं? पांच इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो दा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, कि आर्टिकल्स क्या होते हैं ए एंड दा। तीन टाइप के, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है वो हमारा होता है दा। अब दा से रिलेटेड जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसको आज हम फोकस करने वाले हैं। देखें, सबसे पहला जो पॉइंट हम देखने वाले हैं दा से रिलेटेड, दैट इज कि जितने भी स्पेसिफिक थिंग हैं, जितनी भी स्पेसिफिक है विशेष वस्तुएं हैं, या फिर जितनी भी यूनिक थिंग है, स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स के साथ हमेशा दा का यूज किया जाता है। जितनी भी स्पेसिफिक थिंग होंगी, जितनी भी विशेष वस्तु होंगी, जितने भी यूनिक होंगे, अद्वितीय होंगे, मीन्स उसके जैसा दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है, ऐसा कुछ यूनिक है, स्पेसिफिक है, उसके साथ हमेशा दा का यूज किया जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं देख लेते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स से हमारे जो बता रहे हैं स्पेसिफिक और यूनिक थिंग, जितनी भी स्पेसिफिक थिंग होंगी, जितनी भी यूनिक थिंग होंगी, उनके साथ हमेशा ही दा का यूज किया जाता है। अब देखिए, जितने भी यहाँ पर है, जितने भी प्लेनेट होते हैं, जितने भी स्टार हैं, रिवर, सी, ओशन, गल्फ, आइसलैंड, इंस्ट्रूमेंट, शिप्स, डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रिलीजन बुक, तो ये सारे के सारे क्या हैं? अपने आप में स्पेसिफिक हैं, अपने आप में यूनिक हैं। तो आपको एक ही पॉइंट में ये सारे के सारे वर्ड्स को याद कर लेना है। हम अलग अलग नहीं पढ़ने वाले कि रिवर के पहले लगता है या सी के पहले लगता है, ओशन के पहले जाकर यूज किया जाता है। आपको एक साथ ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक और यूनिक थिंग यहाँ पर हो गई। जो यूनिक है, स्पेसिफिक थिंग है, उनके पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने ये बोला कि सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर आप ये बोले सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपको ये सोचना है कि ये क्वेश्चन हमारा जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है। यहाँ पर देखें, सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सन, तो सन क्या है? यूनिक है, स्पेसिफिक है, मतलब पूरी दुनिया में क्या है, पूरी यूनिवर्स में क्या है, एक है। तो जो ऐसी कोई चीज जो कि यूनिवर्स में एक है, दुनिया में कोई एक है, ये यूनिक है, स्पेसिफिक है, कोई विशेष महत्व रखती है, विशेष है, तो उनके पहले, उस पर्टिकुलर नाउन के पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सन राइजेस इन द ईस्ट की बात की जा रही है, तो सन के पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर दा का यूज करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जितनी भी स्पेसिफिक थिंग होंगी, जितनी भी आपकी यूनिक थिंग होंगी, उन सब के पहले हमेशा ही दा का यूज किया जाता है। एक और देख लेते हैं, अगर हम ये बोलें कि द हिमालय लाई द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अब इसमें देखिए द हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब इसको थोड़ा सा आपको देखना है कि सेंटेंस सही है गलत है। तो आपको देखें, हिमालय जो है, माउंटेन रेंजेस जितने होते हैं, माउंटेन पीक, उनके पहले हमेशा ही दा का यूज किया जाता है। तो हिमालय के पहले दा का यूज किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर दा नहीं होता तो ये आपका गलत वर्ड होता। तो अब ध्यान रखें, जितने भी हमारे वर्ड हैं जो स्पेसिफिक होंगे, यूनिक होंगे, उनके पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। हिमालय लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब एक और बात ध्यान रखना है, नॉर्थ जितनी भी हमारी डायरेक्शन है, जितनी भी डायरेक्शन है हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके अलावा ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, मतलब जितनी भी हमारी डायरेक्शन है, उनके पहले हमेशा ही दा का यूज किया जाता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जब भी आपको दिख जाए दा का यूज किया जाएंगे, ठीक है। साउथ ईस्ट दिख जाए दा का यूज करेंगे, नॉर्थ वेस्ट दिख जाए दा का यूज करेंगे। तो डायरेक्शन के पहले, डायरेक्शन भी अपने आप में क्या हो गई? यूनिक हो गई, स्पेसिफिक हो गई। तो आपको बस एक ये वर्ड याद रखना है, स्पेसिफिक और यूनिक जहाँ पर हमें दिख जाता है, जो स्पेसिफिक है, जो यूनिक है, उसके पहले हमेशा हमें दा का यूज करना है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट जो रूल है, वो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई वर्ड, कोई भी नाउन स्पेसिफिक हो, कोई नाउन यूनिक हो, तो उसके पहले हमेशा हमें दा का यूज करना है। तो ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड पॉइंट देखते हैं दा से रिलेटेड। सेकंड हमारा पॉइंट कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज किया जाता है। बिल्कुल कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज किया जाता है। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो दा का यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा का यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन है जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज किया जाता है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, जब आपको ये दिख जाए
ऑफ द टू दिख जाए या फिर ऑफ दीज टू दिख जाए, अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पर मतलब ऐसा कोई जहाँ पर हमें सिलेक्शन की बात की जा रही है, जहाँ पर हमें दो दो चीज़ों में से कोई एक वस्तु को चूज करना है, जहाँ पर कोई चूज करना है हमें पर्टिकुलर थिंग को, या फिर सिलेक्शन की जहाँ पर बात की जाती है, उस कंडीशन में हमेशा द का यूज कंपैरेटिव डिग्री होने पर भी किया जाता है। तो ऑफ द टू आने पर या ऑफ दीज टू आने पर हमेशा द का यूज किया जाएगा। और जो दूसरी कंडीशन कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगती है वो ये होती है कि जो पैरेलल कंपैरिजन है, अगर पैरेलल कंपैरिजन किया जाता है मतलब समानांतर तुलना की जाती है किसी भी दो पर्टिकुलर हमारे थिंग की, तो हमेशा तब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। तो ध्यान रखें कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज किया जाता है, वो दो कंडीशन होती है जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं, एक ऑफ द टू आने पर और एक पैरेलल कंपैरिजन होने पर द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑफ द टू आने पर कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करेंगे या पैरेलल कंपैरिजन होने पर हम कैसे द का यूज करेंगे। अगर हम ये देखें कि जया इज taller of the two girls, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है या इसमें कोई मिस्टेक है, तो मिस्टेक क्या है। यहाँ पर है आपका जया इज taller of the two girls, है ना। अब यहाँ पर हमें एक वर्ड दिख रहा है of the two, है ना, of the two दिख रहा है, पर हमने देखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है, लेकिन दो कंडीशन में कि ऑफ द टू आ रहा है या ऑफ दिस टू आ रहा है तब हम द का यूज करते हैं, और पैरेलल कंपैरिजन होता है समानांतर तुलना करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए जय इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, तो यहाँ पर हमें एक बात दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हम ऑफ द टू का यूज कर रहे हैं, और ये जो डिग्री है वो कैसे है, कंपैरेटिव डिग्री है, ई आर लगा है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव के साथ अगर ई आर लगा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। इसके अलावा अगर मोर के साथ कोई एडजेक्टिव है तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री होगी। अगर मोर के बाद एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव प्लस ई आर कंपैरेटिव डिग्री, मतलब जहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है तो टू पर्सन के बीच में या टू थिंग के बीच में, तो वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए टॉलर जो वर्ड है ईआर लगा है, मतलब समझ जाए कंपैरेटिव डिग्री है, काफी आसान तरीका है पहचानने का कंपैरेटिव डिग्री को, ईआर लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर देखें इसके पहले द का यूज नहीं किया गया तब ये सेंटेंस सही है, डेफिनेटली ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि देखें जया इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू वर्ड आ रहा है, जब भी हम किसी भी चीजों में से चूज कर रहे होते हैं सिलेक्शन की जहाँ पर बात की जाती है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होने पर भी द का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखें जया इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, टॉलर वर्ड है, इसके पहले द का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा जया इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आए बहुत बार कि ऑफ द टू आया, ऑफ दिस टू आया, तो हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री होने पर भी द का यूज करते हैं। इसी टाइप से ये देख लेते हैं पैरेलल कंपैरिजन कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये हो हमारा द हायर यू गो डैश पूरा सफिशिएंट, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में कई बार फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा, यहाँ पर एन का यूज किया जाएगा, यहाँ पर द का यूज किया जाएगा, या फिर कोई भी आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेंटेंस को अच्छे से देखना है, द हायर यू गो डैश कूलर यू फील, तो ये क्या है हमारी, यहाँ पर भी देखें ई आर लगा है, हायर वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ भी ई आर लगा है, यहाँ भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री है। अब आपको ये देखना है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इसके पहले हम द का यूज करेंगे या फिर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आप बिल्कुल आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है, पैरेलल कंपैरिजन होने पर हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री होने पर भी द का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पैरेलल कंपैरिजन मतलब होता है समानांतर तुलना, मतलब जहां पर कोई एक वस्तु या एक चीज हो रही है वो उससे दूसरी वाली जो चीज है, दूसरा वाला जो सेंटेंस है उससे रिलेटेड है, उसको बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन, समानांतर तुलना, कि पहले का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है। मींस यहाँ पर आप बात करें द हायर यू गो, जितना ऊंचाई पर आप जाते हो इससे ये वाला सेंटेंस रिलेटेड है, डैश कूलर यू फील, उतना ही आप कूल फील करते हो, तो इससे जब ये रिलेटेड है सेंटेंस तो उसको बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन। तो अगर एक सेंटेंस में आपका द का यूज है तो जो दूसरा सेंटेंस है उसमें भी हम द का यूज करेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि पैरेलल कंपैरिजन होने पर कंपैरेटिव डिग्री होने पर भी द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द का यूज है, तो आपको ध्यान रखना है द
यहाँ भी हमें दा का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा द कूलर यू फील, तब जाके आपका ये सेंटेंस सही होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा का यूज किया जाता है। आपका सेकंड पॉइंट कहता है इसमें आपको ध्यान रखना है ऑफ द टू या पैरेलल कंपैरिजन होने पर हमेशा दा का यूज किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री होती है तब हम दा का यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज नहीं करते, तो आपको ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा का यूज किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसको हमने नहीं पढ़ा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। किसी एडजेक्टिव के बाद में अगर ईएसटी लगा है तो समझ जाए ये जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री का है। इसके अलावा अगर मोस्ट वर्ड आ जाए और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव दिया है तो ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो एडजेक्टिव प्लस ईएसटी है तो दा का यूज, मोस्ट के साथ एडजेक्टिव है तो भी दा का यूज। ऐसा नहीं कि हर बार ईएसटी ही आएगा तो ही सुपरलेटिव डिग्री होगी, कई बार कुछ सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री कुछ अलग तरीके से बनती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी होगी तो ये सिंपल सा है कि इस तरीके से आप पहचान सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर होने पर हमेशा दा का यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस देखते हैं तो इजीली समझ में जाएगा। अगर हम ये देखें शी इज मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, अगर हम ये देखते हैं कि शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखा, तो आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है। तो शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ग्रुप, यहाँ पर आपको एक बात देखना है कि यहाँ पर आपको मोस्ट वर्ड दिख रहा है और उसके बाद में ये आपका एडजेक्टिव है, तो मोस्ट के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ये जो आपका एडजेक्टिव है ना ये सुपरलेटिव डिग्री का है, इसके साथ आपका मोस्ट वर्ड यूज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो इसके साथ क्या होगा, ये जो मोस्ट वर्ड है इसके पहले दा का यूज किया जाएगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री होने पर हमेशा दा का यूज किया जाता है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो मोस्ट आ जाए पीएसटी वाला कोई वर्ड आ जाए तो हमेशा दा का यूज करें। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इज टॉलेस्ट वर्ड, अगर हमने ये देखा कि ही इज टॉलेस्ट वर्ड इन द क्लास, अगर यहाँ पर आप देखें कि ये टॉलेस्ट वर्ड आ रहा है, टॉलेस्ट वर्ड क्या है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री होने पर हमेशा दा का यूज किया जाता है। तो टॉलेस्ट वर्ड इन द क्लास देखा है, सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन दा का यूज नहीं किया गया, तो समझ जाए कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर ये सेंटेंस आपका गलत है। टॉलेस्ट के साथ आपको दा का यूज करना पड़ेगा, तो आप ध्यान रखें सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होती है उसके साथ हमेशा हम दा का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होने पर दा का यूज किया जाता है। तो आपका थर्ड वाला पॉइंट कहता था कि सुपरलेटिव डिग्री दा का यूज किया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री होने पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है, आपका रूल्स जो है आपका दा से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि व्हेन नाउन इज बीइंग डिस्कस, जब नाउन डिस्कस किया जा रहा हो, मतलब नाउन के बारे में कहीं ना कहीं बात चल रही हो, नाउन के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, नाउन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तब उस नाउन के पहले हमेशा हम दा का यूज करेंगे। क्योंकि द कैसा आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन को डेफिनेट कर देता है, जो ये बताता है कि हाँ हम इसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे थे। तो नाउन ध्यान रखें कि जो द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब अगर कोई नाउन डिस्कस किया जा रहा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत बार यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता या ए या एल लगा के जाता है तो कई बार गलत हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखें, डाउन की बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, डैश बॉय हुज बियरिंग वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। अब आपको देखना है कि ऐसे नाउन, जब कोई नाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं, नाउन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, नाउन को हम डेफिनेट कर रहे होते हैं, तब हमेशा दा का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखें बॉय हुज बियरिंग वाइट शर्ट इज माय ब्रदर, अब इस बॉय के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं, कहना है कि जो बॉय जो है, मतलब हर किसी बॉय की बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि जो बॉय हुज बियरिंग वाइट शर्ट, जो वाइट शर्ट पहने है ना, इज माय ब्रदर। यहाँ पर हम पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, हमने इस नाउन को डेफिनेट कर दिया कि हाँ हम उसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। जब ऐसा कोई आता है, ऐसा कोई वर्ड आता है, ऐसा कोई नाउन आता है जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर नाउन के पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। बॉय हुज वेयरिंग वाइट शर्ट इज माय ब्रदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम दा का यूज करेंगे। तो
क्योंकि यहाँ पर ये जो नाउन है वो अपने आप में डेफिनेट हो गया कि हाँ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बुक्स दैट आर ऑन द टेबल इज माइन। अब देखें ऐसा कुछ नहीं कि सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ आपका दाखिल यूज हो जाता है, सिंगुलर के साथ भी हो जाता है, प्लूरल के साथ भी हो जाता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आपका दाखिल यूज हो जाता है। तो बुक्स दैट आर ऑन द टेबल इज माइन, तो यहाँ पर भी देखें हम क्या हर किसी बुक्स की बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, मीन्स वो बुक जो टेबल पर है वो मेरी है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है वो क्या हो गया, अपने आप में ये जो नाउन है डेफिनेट हो गया, क्योंकि हमने आगे उसके बारे में कुछ ना कुछ बात कही। जब ऐसा कुछ आता है कि किसी नाउन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, नाउन के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, तो वो नाउन हमेशा आपका डेफिनेट हो जाएगा, तो उसके साथ हमेशा हम दाखिल यूज करेंगे। और एक और तरीका है पहचानने का, ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखें जो रिलेटिव प्रोनाउन है काफी आसान है पहचानने का कि नाउन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाए, जितने WH वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आ जाए या फिर दैट बीच में आ जाए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस दो सेंटेंस को जब जोड़ा जाता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं उन वर्ड्स को। तो अगर ऐसा आ रहा है उसके पहले कुछ नाउन है समझ जाए, उसके बारे में कहीं ना कहीं आगे कुछ बात कही गई है, डिस्कशन किया गया है, फिर नाउन डेफिनेट हो गया, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, दाखिल यूज करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि नाउन का डिस्कशन किया जाना होता है तब नाउन डेफिनेट हो जाता है, तो डेफिनेट आर्टिकल आपको वहां पर दाखिल यूज करना होता है। हमारा ये फोर्थ पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट देखेंगे नाउन से रिलेटेड क्या, नाउन से रिलेटेड सॉरी दा से रिलेटेड कि कौन सा पॉइंट है आपका दा से रिलेटेड जो रूल है, कैसे हम दा का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा कहता है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन आ जाए और फिर आपका लगे नाउन आ जाए, अगर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उसको पर्टिकुलर जो आगे वाला नाउन है वो अपने आप में डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट नाउन के पहले हमेशा हम दा का यूज करते हैं क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल आपका दा होता है। तो अगर नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो जाए, मतलब ज्यादातर हमेशा हमें ऑफ का ही यूज मिलता है प्रीपोजिशन के रूप में ज्यादातर, तो अगर नाउन के बाद ऑफ आ रहा है फिर अगेन नाउन आ रहा है, तो चाहे नाउन कैसा भी नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव हो, कैसा भी नाउन हो, हमेशा वो नाउन क्या हो जाता है, अपने आप में वो नाउन डेफिनेट हो जाता है, ज्यादातर आपको यहाँ पर प्रॉपर नाउन मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ प्रीपोजिशन दिए फिर अगेन नाउन दिया है, नाउन डेफिनेट होने पर दाखिल यूज हम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, मुंबई इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखें लंदन ऑफ इंडिया, ये आपका नाउन था, ये प्रीपोजिशन ऑफ थी, ये अगेन आपका नाउन आ गया। तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन होने पर ये जो नाउन है ना फर्स्ट, ये वाला नाउन फर्स्ट वाला, वो अपने आप में क्या हो गया, डेफिनेट हो गया कि हम लंदन की बात नहीं कर रहे, वो क्या है, इंडिया का लंदन है, अपने आप में क्या है, ये वर्ड जो है वो डेफिनेट हो गया, ये नाउन डेफिनेट हो गया। तो इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा दा, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखें यहाँ पर हमें दा का यूज करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो वर्ड है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अगेन यहाँ पर हो रहा है नाउन प्रीपोजिशन नाउन। जब भी नाउन प्रीपोजिशन नाउन आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन होने पर हमेशा दा का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखें नाउन प्रीपोजिशन नाउन था इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज कर दिया। अब ये एक एरर का क्वेश्चन है, इसमें देखें अमित इज सचिन ऑफ अवर टीम। अब दिखने में तो सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अमित इज सचिन ऑफ अवर टीम, लेकिन आप ध्यान रखें ये जो वर्ड है सचिन, ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बात की जा रही है। अब यहाँ पर हमने ये जो वर्ड यूज किया गया है उसके बाद लगाया ऑफ और फिर उसके बाद अगेन ये हमारा पूरा नाउन आ रहा है अवर टीम, नाउन प्रीपोजिशन और अगेन नाउन, है ना, नाउन प्रीपोजिशन नाउन आता है, तो ये जो फर्स्ट वाला जो नाउन है ना ये डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट जो नाउन होते हैं उनके पहले हमेशा हमें दा का यूज करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर नेम दिया है और किसी नेम के पहले कभी भी क्या होता है दा का यूज या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन अगर वो नेम जो है वो स्पेसिफिक कर दिया हमने, वो नेम को कोई विशेष बता दिया कि हाँ ऐसा कुछ है आगे उसके बारे में कुछ बता दिया, तो अगर कोई नेम कोई भी प्रॉपर नेम अगर प्रॉपर नाउन डेफिनेट हो जाता है तो उसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। सेम चीज यहाँ पर हो रही है सचिन ऑफ अवर टीम, तो यहाँ पर होना चाहिए दा, अमित इज द सचिन ऑफ अवर टीम, इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। जब कोई प्रॉपर नाउन को हम डेफिनेट कर देते हैं तो हमेशा हम दा का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, नाउन हो, ऐसा कुछ हमें दिख जाता है तो हमेशा हम दा का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट रूल्स जो दा से रिलेटेड हैं, पढ़ने जरूरी है, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें कि कौन कौन से 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। सिर्फ बहुत ही हमने जितने इम्पॉर्टेंट थे उन्हीं इम्पॉर्टेंट को पढ़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने इम्पॉर्टेंट थे सारे के सारे कवर हो गए।
आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सारे के सारे जो दास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे।